जिस प्रकार की मानसिकता होती है उसी प्रकार से व्यक्ति बोलता है। ये बात उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा की जा रही बयानबाजी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कही। धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में देर शाम को इन्वेस्टर मीट की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि आज से पहले इस तरह की इन्वेस्टर मीट प्रदेश में पहले कभी नहीं हुई है। आज सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश को नया विजन दिया है। जिस प्रकार की मानसिकता होती है उसी प्रकार से व्यक्ति बोलता है, ये बात उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा की जा रही बयानबाजी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कही। धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में देर शाम को इन्वेस्टर मीट की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि आज से पहले इस तरह की इन्वेस्टर मीट प्रदेश में पहले कभी नहीं हुई। सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश को नया विजन दिया है जिसके चलते प्रदेश में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है जिसके अच्छे परिणाम आएंगे। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हमारे नेता है, पीएम जहां भी जाते हैं उस क्षेत्र का पूरी तरह से विकास हो जाता है या यूं कहें कि वो क्षेत्र तर जाता है। पीएम जब धर्मशाला में आशीर्वाद देने आ रहे हैं और यहां इन्वेस्टर मीट से क्षेत्र के विकास में चार चांद लगेंगे। धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट की तैयारियां चल रही हैं। यहां व्यक्तिगत रूप से ये तैयारियां देखने आया हूं। लगभग 2-3 दिन के भीतर आपको आयोजन स्थल का पूरा स्वरूप नजर आएगा। धर्मशाला में बहुत बड़ी इन्वेस्टर मीट होने जा रही है, काफी दिनों से इसकी तैयारियां चली हैं। आज मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, किन किन चीज़ों को बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, उसको देखने के लिए आज मैं आया हूँ। और निश्चित तौर से आने वाले 1-2 दिनों के बाद इसका पूरे का पूरा स्वरूप आपको ठीक नज़र आएगा। बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयारी हो रही है और जो जिस प्रकार से हमने उस दिन के कार्यक्रम रखे हैं, उन कार्यक्रमों के जो कार्यक्रमों को करने के लिए कैसे कैसे कार्यक्रम होने हैं, कौन सा कार्यक्रम कहाँ होना है, उसकी सारा मैं देख रहा हूँ कि तैयारी पूरे जोरों पर लगी है और लगभग 2-3 दिनों के बाद इसका पूरा स्वरूप जो है वो अच्छे तरीके से नज़र आएगा। आदरणीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे नेता हैं और आप तो जो जानते हैं कि जहाँ भी मोदी जी जाते हैं वहाँ उस क्षेत्र का पूरे तरीके से विकास हो जाता है। वो जो क्षेत्र है वो उसको हम कहते हैं तर जाता है और यहाँ पर वो आ रहे हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो निश्चित तौर से ये जो हमारी ग्लोबल मीट हो रही है, इस ग्लोबल मीट में और चार चांद लगेंगे और प्रदेश को उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जिस प्रकार की मानसिकता होती है उसी प्रकार से व्यक्ति बोलता है। आज से पहले इस प्रकार की इन्वेस्टर मीट हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं हुई। 5 साल तक वो इस प्रदेश में, जिस समय उनकी सरकार थी, वो यहाँ के उद्योग मंत्री थे। वो बताएं कि उद्योग मंत्री के नाते उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है प्रदेश के लिए। आज आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने एक नया विजन दिया है और उस विजन के अंतर्गत ये इस प्रकार का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। हम लोगों ने पिछले 8-9 महीनों से बड़ी कड़ी मेहनत की है और इसके परिणाम अच्छे आएंगे। जो कुछ कर नहीं सकता वो केवल बोल ही सकते हैं, क्रिटिसिज्म ही कर सकते हैं।